Hey guys, welcome to my channel Creative of Me. So आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इसमें आज मैं ओपन करने वाली हूँ माई एक्वा सोप मेकिंग लैब किट फॉर 6 एज के लिए या फिर अबव के लिए, नॉट फॉर स्मॉल एज. तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्टेंट्स क्या है. तो फर्स्ट कॉन्टेंट है सोप बेस सेफ, फिर सेकेंड सेफ्टी ग्लव्स, ब्लू येलो एक्वाटिक कलर, एक्वाटिक फ्रेग्रेंस, वन बिग मेजरिंग बीकर, वुडन स्पैचुलास, ड्रॉपर, क्लियर प्लास्टिक फिल्म, गिफ्ट रैपिंग पेपर, डेकोरेटिव शीट्स, इंसुलेटेड, इंस्ट्रक्शन मैनुअल. सो ये था इसके कॉन्टेंट्स. तो मैं अब 1, 2, 3 काउंट करते ही ये डिब्बा खुल जाएगा. 1, 2 एंड 3. सो इसमें सबसे पहले मैंने जो देखा वो था एक मैनुअल. ये था माय एक्वा सोप मेकिंग मैनुअल. ये कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही प्यारा सा लगा मुझे तो, बहुत छोटा सा. अब नेक्स्ट है स्टिकर जो मैंने यूज़ नहीं किया है वीडियो में, आप लास्ट तक देखिएगा ज़रूर. उसके बाद है ये सोप बेस. उसके बाद नेक्स्ट है 2 फूड कलरिंग्स एंड देन है लास्ट वाला एक्वाटिक फ्रेग्रेंस. इसमें ही है. उसके बाद आपको मिलेगा सोप मोल्ड जो है इम्पॉर्टेंट, देन मिलेगा बीकर, 2, 3 स्पैचुलास एंड 3 ड्रॉपर्स, देन आपको मिलेगा एक रैपिंग पेपर. ये सब थे इसके वो इंग्रेडिएंट्स, नहीं सॉरी, इसमें सामान जो हम यूज़ कर सकते हैं. अब मैंने यहाँ पे 3 सोप बेस को मेल्ट कर लिया है, तो आप भी मेल्ट कर लीजिएगा 3 to 4. अब हम इसे विस्क करेंगे या फिर इसको मिलाएंगे. तो अब हम इसमें डालेंगे येलो कलर का फूड कलरिंग. सो मुझे येलो ज़्यादा अच्छा लगा कलर में, सो मैं येलो डाल रही हूँ. सबसे पहले हम 5 ड्रॉप्स येलो डालेंगे. खुलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर हुआ, और तो इसलिए जैसे ही खुल जाए हम डालेंगे 5 ड्रॉप्स ऑफ फूड कलरिंग. सारा मत डाल दीजिएगा क्योंकि आपको और भी बनाना है, सो इसलिए और डाल सकते हैं. और सोप बेस भी ओनली 3 यूज़ कीजिएगा ज़रूर से, ज़्यादा मत कीजिएगा. मिक्स कर दीजिएगा अच्छे से. फिर आती है बारी एक्वाटिक फ्रेग्रेंस की. तो एक्वाटिक फ्रेग्रेंस डालिएगा इसमें 5 ड्रॉपलेट्स, क्योंकि ज़्यादा दे देंगे तो ज़्यादा सेंट आ जाएगा, कम दे देंगे तो आएगा ही नहीं. अब इसको भी मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से. अब हम डालेंगे अपने मिक्सचर को अपने मोल्ड में. तो अच्छे से डाल दीजिएगा मोल्ड में ताकि ये सेट हो जाए. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, एक स्पून लेके जो एक्स्ट्रा पार्ट है बचा हुआ उसे भी ढालने की कोशिश कर रही हूँ. पर थोड़ा सा ढाला, बाकी सारा थोड़ा सूख गया था. तो मैंने क्या किया, मैंने स्पून से हाथ में ले लिया था, वो गर्म नहीं था ना ज़्यादा, तो हाथ में ले लिया ऐसे, एंड देन उसके बाद इसमें चेप दिया. सो आप भी ये कर सकते हैं अगर आपका सूख गया हो तो. थोड़ा सा बचा हुआ रहे दूसरे पार्ट में भी डाल दीजिएगा जहाँ पे नहीं हुआ अच्छे से फिल. बट ये अच्छे से काम करता है अगर ये वाला प्रोसेस भी करेंगे आप तो. अब हम इसको ड्राई करने देंगे 4 आवर्स के लिए. तो चलिए 4 आवर्स बाद मिलते हैं, अब तक के लिए बाय. सो 4 आवर्स बाद ही कुछ ऐसा दिख रहा है, ये पूरा सूख गया है, थोड़ा सा पीछे से वाइट दिख रहा है. सो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे फ्लिप कर देंगे तभी निकल जाए. ओ माय गॉड, एकदम रियल स्टार लग रहा है, नॉट स्टारफिश पर भी. अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. सो अब तक के लिए बाय.